Hello friends, I'm Meghna Thomas and welcome back to our channel Golden Applets Aviation Pilot Training Academy, your route to the cockpit. In my video today, I'm going to be answering many queries that have been coming up to us from the 12th standard students who've been saying that, ma'am, we are in 12th standard right now or we will be appearing for our board exams and we wish to become a pilot, what do we do? तो आज का मेरा वीडियो इज फोकस्ड फॉर दो स्टूडेंट्स जो अपने 12th स्टैंडर्ड में हैं एंड आई होप अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी ये वीडियो आज आपकी काफ़ी सारी डाउट्स क्लियर करेंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक पायलट बनने के लिए आप लोगों को 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट चाहिए। बट डोंट वरी, इन केस आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से या आर्ट्स से अपना 11th एंड 12th किया है, आपके पास NIOS का एक ऑप्शन है विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप वहाँ पे अपना इंडिविजुअली फिजिक्स एंड मैथ्स या विच एवर सब्जेक्ट जो आपके पास था नहीं, आप उसके लिए अपियर कर सकते हैं एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दैट यू जस्ट हैव टू पास द सब्जेक्ट। दिस व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर द एब इनिशियो कोर्स। एब इनिशियो का मतलब होता है जहाँ पे आप एक फ्लाइंग स्कूल में जाके एनरोल करते हैं एंड यू डू योर फ्लाइंग आवर्स, आपको CPL मिलता है बट देर इज नो जॉब गारंटी। नाउ जॉब हैपेंस, जैसे कि अभी कोई एयरलाइन अगर वैकेंसी अनाउंस करती है फॉर CPL होल्डर्स एंड यू हैव अ CPL तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके एग्जाम्स क्लियर करके आपको जॉब मिलेगी। अदरवाइज यू विल हैव टू वेट और यू कैन टेक अ टाइप रेटिंग, दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। बट एब इनिशियो मीन्स कि आपको एक फ्लाइंग स्कूल में आपका CPL मिलेगा। सो इसके लिए यू डू नॉट हैव एनी कट ऑफ मार्क्स, आपको जस्ट अपना 12th स्टैंडर्ड पास करना होता है एंड देन यू कैन गो फॉर योर पायलट ट्रेनिंग। बट वॉट हैपन्स विद कैडेट पायलट प्रोग्राम में सम एयरलाइंस हैव अ कट ऑफ, किनी किनी के 50% होते हैं, किनी के 60%। वेल, हमने पहले वीडियोस किए थे ऑफ ऑल द एयरलाइंस दैट हैव कैडेट पायलट प्रोग्राम्स। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री, आप जाके वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ पायलट। यू नीड टू हैव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यस, आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड इट एंड यू शुड बी एबल टू राइट, दैट मीन्स कि आपको पढ़ना, लिखना एंड समझ में आना सब यू नो इंग्लिश में आना चाहिए। द मिनिमम एज जो कि CPL का जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स। सो अगर आप 18 ईयर्स के हैं यू कैन गेट योर CPL इन हैंड। आप एक CPL प्रोग्राम के लिए अपने आप को 17 ईयर्स में एनरोल कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वंस वी फिनिश अ 12th स्टैंडर्ड वी आर 17 ईयर्स ओल्ड। बट दैट्स नॉट नेसेसरी, काफ़ी सारे बच्चे 18, 19 के भी होते हैं, दैट डजंट मैटर। बट आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो 17 ईयर्स में, बट आपका लाइसेंस आपको तभी मिलेगा व्हेन यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। सो एनी विच वेज, आप जब अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं इट टेक्स अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर फॉर यू टू यू नो कंप्लीट एवरीथिंग एंड गेट योर CPL इन हैंड। तो आप तब तक 18 के हो ही जाएंगे, सो दैट्स नॉट अ वरी एट ऑल। कमिंग टू द मिनिमम qualification, like I already said, it should be 10+2 with physics and maths. You could have also done a degree. आप degree या diploma के बाद भी आ सकते हैं provided आपके पास physics and maths as subjects थे in your 12th standard. अभी एक पायलट बनने के लिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिकल फिटनेस। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकली फिट हो एंड मेडिकली फिट इज नॉट जस्ट दैट यू कैन वॉक, टॉक एंड ईट, वेल दैट इज नॉट दैट, आप एविएशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेडिकली फिट होने चाहिए। सो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं किसी भी चीज़ से पहले, इट वुड बी रियली गुड अगर आप अपना क्लास 2 एंड क्लास 1 मेडिकल दोनों करा सकें। क्लास 2 मेडिकल एक इनिशियल मेडिकल होता है जो सबसे पहला मेडिकल होता है हर पायलट का। यू हैव टू डू दैट एंड आप एक क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर से बात कर सकते हैं, उनका यू नो यू हैव अ लिस्ट ऑफ टेस्ट दैट आर डन एंड फाइनली वंस यू गेट योर क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट आप अपना क्लास 1 मेडिकल भी करा सकते हैं। क्लास 1 मेडिकल सारे एयरफोर्स हॉस्पिटल्स में कंडक्ट किए जाते हैं, दैट इज योर इनिशियल मेडिकल, दैट इज आपका फर्स्ट मेडिकल एंड आपको एक CPL के लिए यू हैव टू हैव अ क्लास 1 मेडिकल इन हैंड। एंड आपकी जो ये क्लास 1 हॉस्पिटल्स होते हैं ये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब जगहों पे होती हैं। सो यस, आपकी क्लास 2 मेडिकल की सर्टिफिकेट मिलने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ क्लास 1 मेडिकल। आपके क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट के बाद DGCA विल ओपन अ फाइल फॉर यू एंड यू विल गेट अ फाइल नंबर। ये जो फाइल है ये आपका मेडिकल फाइल होगा एंड थ्रू आउट योर एविएशन करियर योर मेडिकल रिकॉर्ड्स विल ऑल बी केप्ट इन दिस फाइल। ये जो फाइल नंबर होता है ये एक परमानेंट नंबर है एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। अभी इन सब चीज़ों के बाद हम आते हैं आपके CPL ट्रेनिंग पे। अ CPL ट्रेनिंग कंप्राइजेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, आपका पहले थियोरेटिकल नॉलेज होता है एंड देर इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज दैट विल बी चेक्ड। अब थियोरेटिकल नॉलेज के लिए यू हैव सम सब्जेक्ट्स दैट आर द थ्योरी पेपर्स जो आपको क्लियर करनी होती हैं, बट उन सबसे पहले अगर आपको एग्जाम लिखना है आपके पास एक नंबर होना चाहिए विच इज कॉल्ड द कंप्यूटर नंबर। कंप्यूटर नंबर कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आपको इसकी लिंक मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगी एंड अगर आपको इसमें कोई और डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क अस। नाउ दैट यू गेट योर कंप्यूटर नंबर, अगर आपके पास आपका कंप्यूटर नंबर आ गया है देन यू कैन अप्लाई फॉर योर थ्योरी सब्जेक्ट्स। जो थ्योरी एग्जाम्स होती हैं दे आर मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के, जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं दे आर ऑल दैट एंड जो सब्जेक्ट्स आप थ्योरी में पढ़ेंगे वो है नेविगेशन,
meteorology, air regulations, technical general, technical specific and RTR. आपके साथ साथ दो प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक होगी. यस, आपके चेक राइड्स होंगे क्योंकि आप साथ साथ फ्लाइंग भी करते हैं. हर एक लाइसेंस आपको मिलेगा. बेसिकली आप पहला लाइसेंस होता है SPL, जो एक स्टूडेंट पायलट को मिलता है. उसके बाद एक PPL आएगा एंड PPL होता है प्राइवेट पायलट्स लाइसेंस, जिसके लिए आपको कुछ घंटे फ्लाई करने होते हैं. यू गेट दैट. एंड उसके बाद लास्ट लाइसेंस इज योर CPL. तो ये सब क्लियर करने के बाद यस, आप लोगों के हाथ में आपका CPL होगा. आप चाहें तो पहले से ही अपने DGCA सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं. यू विल हैव एन अपर हैंड इवन व्हेन यू गेट सेलेक्टेड फॉर द एयरलाइंस, यू नो, बिकॉज आपके क्वेश्चंस जो भी वो इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं, दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू योर एविएशन सब्जेक्ट्स जो आपने CPL में पढ़े हैं या ATPL के टाइम पे पढ़ा है. एंड जैसे कि आप जानते हैं, गोल्डन एप्लस एविएशन में वी हैव बीन कंडक्टिंग क्लासेस फॉर ऑल दीज DGCA सब्जेक्ट्स. तो अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, यू कैन फील फ्री एंड कम टू अस. वी विल हेल्प यू विद ऑल ऑफ दोज. If you have any other doubts about how to go about with your pilot career, please feel free to leave us a comment or you can contact us at the address and contact details given below. I hope aap sabko mera video aaj pasand aaya and I hope my video will help you all. For more such informative videos and updates, stay tuned to our channel Golden Eplets Aviation. What are you waiting for? Come, let's fly!